नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बजरंग एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही घंटे के निशान को भी दबाएं, जिससे शिक्षा से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट परीक्षा 2017-18 के बारे में। रीट अधिकार मंच बीकानेर की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर रीट 2017 परीक्षा में लेवल फर्स्ट की परीक्षा में 20 संगतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, लेवल फर्स्ट की जो आंसर की बोर्ड की तरफ से जारी की गई है, उसके अंदर बहुत सी विसंगतियां पाई गई है, जिसके लिए रीट अधिकार मंच बीकानेर की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए। इसमें बाहरी राज्य के अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, जिससे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए अवसर कम हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे राजस्थान के अंदर बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए कोई कोटा तय नहीं किया गया है, जिसका नुकसान हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। इसके लिए बीकानेर अधिकार मंच की ओर से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है कि बाहरी राज्यों के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए कोटा तय किया जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2015 के आंकड़े सार्वजनिक करें, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2015 जो हुई थी, उसके आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाएं। मंच की ओर से यह भी मांग की गई है कि लेवल फर्स्ट तथा लेवल सेकेंड की सीटों का अनुपात 60:40 रखा जाए। चयनित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन के लिए एनओसी नहीं दी जाए, यानी जो अभ्यर्थी पहले चयनित हो चुके हैं वो फिर से चयनित न हो। ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है, जिन दोस्तों को पहले से जॉब मिली हुई है, यानी जो पहले से थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं, वो फिर से थर्ड ग्रेड के लिए फॉर्म भरेंगे, उनके 2011 या इसके बाद ज़्यादा नंबर हैं, तो इसका भी जो नुकसान है वो रीट 2017 रीट 2015 के विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। दोस्तों, ये नियम यदि बन जाए तो बहुत अच्छा होगा कि जो एक बार विद्यार्थी रीट थर्ड ग्रेड के अंदर लग चुका है, यानी वो सेकंड ग्रेड के लिए यदि फॉर्म अप्लाई करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समकक्ष जॉब के लिए, यानी जो रीट थर्ड ग्रेड के अंदर पहले से लग चुका है, वो यदि उसी के लिए फिर से अप्लाई करता है, तो इसका नुकसान जो इस बार के विद्यार्थी हैं उन्हें उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसके लिए राजस्थान अधिकार मंच ने ये मांग उठाई है कि जो विद्यार्थी पहले से रीट के अंदर चयनित हो चुके हैं, उन्हें एनओसी नहीं दी जाए। रीट 2015 2017 की परीक्षा में भी सामान्यकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि ये मांग मानी जाती है तो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर होगी। इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।